शिवना शुद्धिकरण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंदसौर आगमन पर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि शिवना शुद्धिकरण के लिए करोड़ों रुपए आए हैं, फिर भी आज शिवना नदी की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि वहां से गुजरने वाले हर राहगीर को नाक पर कपड़ा रुमाल लगाकर नदी को पार कर रहे हैं। इसके बावजूद आज भी शिवना का पानी गंदा है, बदबू आ रही है, अन्य नालों का पानी नदी में मिक्स हो रहा है। उक्त बातों को लेकर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कॉल चौराहे तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी वहां 13 पुलिसकर्मी, शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी और महिला पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को और महिलाओं को हिरासत में लिया और पुलिस के निजी वाहन में बैठाकर नजर बंद कर दिया। अत्याचार के खिलाफ, शिवना शुद्धिकरण के खिलाफ और मंदसौर में सभी मुद्दों के खिलाफ आवेदन उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को आगे करके शिवराज सिंह चौहान ने हमें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आगे करता है मुख्यमंत्री। शांतिपूर्ण तरीके से मां शिवना का जो प्रदूषित जल है वो लेके जा रहे थे और मुख्यमंत्री को इतना डर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। राहुल गांधी जी ने सही कहा था, शिवराज सिंह चौहान सुन लो, कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है और आपको इसका जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। अब मां शिवना मैया को प्रदूषण से मुक्त कर नहीं पा रहे हो, उल्टा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और तुमको अगर थोड़ा भी तुम्हारे अंदर सम्मान, मान सम्मान, आत्मसम्मान बचाओ तो मां शिवना मैया के शुद्धिकरण का कार्यक्रम जारी कीजिए और महिलाओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं लगातार। 7 वर्ष की बच्चियों के साथ, बालिकाओं के साथ, पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश, पूरे देश में नंबर 1 है बलात्कार में, महिला अत्याचार में। आप नाकाम साबित हो गए, आपको गद्दी छोड़ देना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद। बाजी कर रहे थे उनको इकट्ठा करके गाड़ी में भरकर भेजा गया महिला थाना, आगे कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।